अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है तुम सब लोग जंगो चले हो गए। तो फाइनली वेलकम होगा तुम सबके अंदर वीडियो के अंदर। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस जो बेल आइकन उसे क्लिक कर दें ताकि अंदर मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आ सके। तो चले फिर बिना वक्त जाए के शुरू करते हैं आज के सेमीफाइनल की कहानी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर निकाल दिया और सेमीफाइनल के मैच को विन कर लिया और खुद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। ओह माय गॉड, वाओ। तो पाकिस्तान की टीम के मुगले आजम यानी कि बाबर आजम ने आज अच्छी परफॉर्मेंस दी। जिस तरह पिछले मैच में उनका बैड लक चल रहा था जिनके बिना पर वो जल्दी आउट जाते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और कप्तानी का फर्ज अदा किया और तकरीबन 35 बॉलों में 50 की और अपनी टीम को एक सपोर्ट दी। क्योंकि जब भी कप्तान चलता है तो सारी टीम को हौसला होता है कि हमारा कप्तान चल रहा है और हम भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। जबकि कप्तान पहले ही आउट हो जाता है तो बाकी टीम भी प्रेशर में जाती है और उनके उस मैच को विन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज ऐसा कोई सीन नहीं था, आज कोई किसी को दिल का दौरा नहीं पड़ा, कोई ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो भी आज अच्छी थी, जो बैटिंग थी वो भी अच्छी थी। आज का जो सेमीफाइनल का मैच था न्यूजीलैंड के साथ वो पाकिस्तान ने आसानी के साथ विन कर लिया और बाबर साहब ने 50 की और अच्छा रन रेट दिया पाकिस्तान को। इसी तरह जो इनके साथ आते हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने भी आज अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने भी आज 50 की। इन दोनों प्लेयर ने 50-50 की और इसके अलावा दोनों ने 100 की पार्टनरशिप भी की, जो कि अगली टीम के लिए काफी मुश्किल था। अगली टीम प्रेशर में आ रही थी कि अगर दोनों आउट ना हुए तो ये अकेले खेलो के इस मैच को विन करा जाएंगे। जिस तरह इंडिया की बारी हुआ था ये दोनों खड़े रहे और मैच को विन करा दिया था, लेकिन आज किस मैच में इस तरह सिचुएशन ना हुई बल्कि 3 आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इस मैच को विन किया और 7 विकेटों से विन किया। जो लोग कहते थे ना कि क्रिकेट का मैच फिक्स होता है, आज तुम्हें पता चल गया होगा कि किस तरह पाकिस्तान पहले बाहर था, फिर मैच विन किए, साउथ अफ्रीका हारा, पाकिस्तान इन हुआ, कि ये सारा गेम प्ले पे चक्कर होता है। ये कोई नहीं होता कि ये मैच फिक्स है, वो टीम खेलेगी, ये पहले फिक्स कर दिया था इसने, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि आप लोगों ने मैचेस को देखा, खुद अंदाजा हो गया होगा कि जो टीम खेलती है किसका रन रेट ज्यादा होता है, किस में बारिश पड़ जाती है, कोई मैच कितने विन कर रहा है कितने हार रहा है, ये सारा दरमदार उनके खुद की कारकर्दगी पे होता है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान पहले 2 मैच हार गया था तो जिन लोगों ने सेमीफाइनल की टिकटें खरीदी हुई थी उन्होंने उम्मीद थी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा, उन्होंने उन टिकटों को सेल कर दिया, लेकिन किस्मत ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचा और सेमीफाइनल को खेल के विन कर दिया और उन लोगों को हैरान और परेशान कर दिया। और हमें शुरू से लगता था कि जो अंग्रेज लोग हैं, ये टीमें जो होती हैं अंग्रेजों की, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के खेलती हैं, इन्हें हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन को देख के ये उम्मीद और ये यकीन हो गया कि वाकई में यार जो मर्जी टीम हो, चाहे वो अंग्रेज हो या जो भी हो, हारने का दुख हर किसी बंदे को होता है। जब किसी बार कोई चौका छक्का लगता था विलियमसन परेशान हो जाते थे कि ले भाई अब कप है वो आस्ते हमारे हाथ से जा रहा है, और पाकिस्तानी तो नामुमकिन को मुमकिन करने में बादशाह लोग हैं, इन्होंने ऐसे ही किया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया और न्यूजीलैंड जो कि इस आईसीसी की सबसे हैवी टीम जा रही थी उसे बाहर निकाल दिया और खुद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। जैसा कि आज आपको पता कि 9 नवंबर था, इकबाल का दिन था और इकबाल के शहीदों ने ऐसा अच्छा तोहफा दिया अपने इकबाल को और शहीद होने का फर्ज अदा किया है, उनको सेमीफाइनल जितवा दिया है और शहीद ने तो वाकई शहीद बन के दिखाया है। 2 विकेटें ली जो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, एलियन की और विलियमसन की, और काफी अच्छे आउट किए और मैच को बरकरार रखने में पाकिस्तान टीम की मदद की। तो अब सारा मसला चल रहा है फाइनल का कि पाकिस्तान का जो फाइनल मैच है वो किसके साथ पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मैच है फाइनल का वो इंडिया के साथ पड़े, किसकी ख्वाहिश है कि इंग्लैंड के साथ पड़े, लेकिन ये सिचुएशन कल पता लगेगी कि कल कौन सी टीम है उधर से विन करती है और पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलेगी। अब तो पाकिस्तान फाइनल में है, लेकिन दूसरी टीम जो इंग्लैंड और इंडिया है उनका मैच सेमीफाइनल का मैच कल होगा, उनमें से जो टीम जीतेगी वो पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलेगी। और मजा तभी आएगा जब इंडिया उधर से जीते और पाकिस्तान के साथ फाइनल का मैच खेले और पाकिस्तान इस फाइनल मैच को जीते और जो इंडिया का मुंह है उसे बंद कर दे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो यार मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ एंड, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इंशाल्लाह मिलते हैं अंटिल नेक्स्ट टाइम, जो फाइनल का मैच है अब उसमें मुलाकात होगी। फाइनल के मैच की वीडियो को देखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।